हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री बाय फ्लिप सिडनी आज हम बात करने वाले हैं अपोलजी फॉर पोएट्री फिलिप सिडनी ने जिसे लिखा है उसके बारे में और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जो सिक्स पार्ट्स उन्होंने बताए उसके उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे साथ में हम इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर में सिडनी ने एनापोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा क्यों तो जो ये वर्क था एनापोलॉजी फॉर पोएट्री वो एक रिस्पॉन्स था किसके लिए स्टीफन गोसेंस के द स्कूल ऑफ अब्यूज के लिए द स्कूल ऑफ अब्यूज में स्टीफन गोसेंस कहते हैं पोएट्री इज वर्थलेस इट इज जस्ट अ असिस एंड पोएट्री इज रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ही गिव्स आर्ग्यूमेंट एंड सपोर्ट्स हिज आर्ग्यूमेंट थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल स्टीफन गोसेंस कहते हैं कि पोइट्री वर्थलेस है वर्थलेस क्यों है है उसका रीजन वो देते हैं कि ये एक मिमेसिस जस्ट एक नकल है इमिटेशन है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन है जस्ट इमेजिनेटिव वर्क होता है ये इन्होंने पब्लिश किया था 1579 सेवेंटी में अब उन उसका जो रिस्पॉन्स था वो था सिडनी का वर्क एंड अपॉलॉजी फॉर पोएट्री इन 1595 इस वर्क को आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फर्स्ट वर्क भी मान सकते हैं यहाँ से लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत मान सकते हैं आप तो अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं या थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इस वर्क को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा उससे पहले के लिए अगर आप जाएंगे क्लासिकल वर्क में जाएंगे तो आपको प्लेटो और एरिस्टोटल को समझना जरूरी है अभी जो टाइम था वो किसका था ड्यूरिंग रेनेसा सिडनीज आर्ग्यूमेंट इज डिफेंस ऑफ पोएट्री इज नोबिलिटी तो सिडनी ने कहा कि ओके जो ये पोएट्री है ये क्या है इसको हम नोबिलिटी के बेस पर मैं डिफेंड कर रहा हूँ और उनका कहना था कि हाँ इसे लिखा जाना चाहिए ट्रू पोइट मस्ट टीच एंड डिलाइट ये हम नीचे बात करेंगे इसके बारे में आइडियाज ऑफ हॉरिस जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे उन्होंने स्टीफन uh, ने प्लेटो और एरिस्टोटल का रेफरेंस दिया था तो अपने को प्रूफ करने के लिए जो सिडनी वो भी Horace का देते हैं और और कुछ राइटर्स uh, का आइडियाज वहां पर वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट काम है किसी पॉइंट का वो क्या है टीच एंड डिलाइट रिमेंबर दिस थिंग ओके इट कैन बी इन एग्जाम और उन्होंने फिर अगर हम हर की देखे तो उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर मैं रखूंगा एपिक uh, को जो सबसे बेस्ट पोइम होती है वो होती है एपिक एंड देन पेस्टोरल एंड देन एलेजीज सो दिस वाज द आइडिया ऑफ ही कॉल्स एपिक वर्क ओके सबसे बेस्ट वर्क उनकी आइडिया uh, में वो था नाउ देर आर एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज टू असर्ट द प्रॉपर प्लेस ऑफ पोएट्री वो चाहते हैं कि पोएट्री का भी प्लेस होना चाहिए सोसाइटी में कैन टीच एंड डिलाईट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट उन्होंने कहा कि पोएट्री कैन चेंज नोसेस इन टू प्रोसेस मीन्स नॉलेज को परफॉर्मेंस में चेंज कर सकती है पोइट्री लेट्स टॉक अबाउट नाउ सिक्स पार्टस ऑफ दर्क फर्स्ट वन इज एक्सोडियम Exodium is announcement an interesting way to tell about poetry the second one is narration in this poet aims to teach means he talks about poet's aims to teach and delight he will teach karna है and delight third thing he tells about proposio proposio means uh, here he gives arguments

इसी तरह से उन्होंने यहां पर भी एविडेंस दिए हैं कि पोइट्री क्यों सही है एंड इन द फिफ्थ पार्ट डिग्रेशियो ही टॉक्स अबाउट पोएट्री ऑफ इस टाइम कि कैसे डिग्रेशन का टाइम है पोएट्री का एंड देन ही टॉक्स अबाउट पेरोरिटी मीन्स इन दिस पार्ट ही टॉक्स अबाउट ही अपील्स दैट पोइट्स शुड मेंटेन डेकोरम कि पोइट्स को के भी कुछ ड्यूटीज हैं उन्हें अपना डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो